कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। आज रविवार को पहले लॉकडाउन में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बैतूल शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। खुद SP सिमाला प्रसाद ने मोर्चा संभालते हुए शहर का भ्रमण किया और घूम रहे लोगों से उनके घूमने का कारण पूछा। दरअसल महाराष्ट्र की सीमा से लगी बैतूल में कोरोना का असर ज्यादा दिख रहा है। यही कारण है कि बैतूल में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक रविवार को बैतूल में लॉकडाउन लगाया जाएगा। और रविवार को पहले लॉकडाउन के चलते शहर के पूरे प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, शराब की दुकानें भी बंद रही। लॉकडाउन को लेकर पुलिस के साथ साथ प्रशासन और नगर पालिका की टीम भी शहर में तैनात रहे। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी तक 374 एक्टिव केस हैं और टोटल पॉजिटिव आने वालों की संख्या 4436 हो गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 81 पर पहुंच गया है। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान। इसमें आज कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के तारतम्य में संडे लॉकडाउन रखा गया है और चूंकि आगामी आने वाला जो त्यौहार है होली का, और आज होली जलनी भी है शाम को और शबे बारात का भी त्यौहार है, तो दोनों को दृष्टिगत रखते हुए आज लॉकडाउन रखा गया है। और इसमें कल रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू था और सभी हम लोगों ने बहुत सारे फिक्स पॉइंट्स हैं जहां पुलिस बल तैनात है, इसमें सुरक्षा समिति के भी लोग हमने तैनात किए हुए हैं और राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा और कोई बाहर ना निकले। इसमें अपील हमारी जनता से यही है कि परिवार के साथ होली मनाएं, घर में ही रहें। और आज जो शाम को होली जलनी है, सार्वजनिक होली हम लोगों ने मना किया है और सभी से यही निवेदन है कि घर में ही रहकर परिवार के साथ होली दहन का भी कार्यक्रम करें और दुल्हेंडी का जो कल का दिन है उसमें भी परिवार के साथ होली खेलें। अड़ोस पड़ोस में और मोहल्ले में कई बार हम देखते हैं कि मोटरसाइकिलों पर भी लड़के अनावश्यक घूमते हैं और हुड़दंग करते हैं, तो इस पर पूर्णता से कल तो प्रश्न ही नहीं उठता इस तरीके का। बाकी सार्वजनिक होली का भी नहीं है, अड़ोस पड़ोस के साथ भी जो लोग इकट्ठे होकर होली खेलने की जो परंपरा है उसको हम लोगों ने यही कहा है कि परिवार में रहकर परिवार के सदस्यों के साथ होली खेलें। उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई? उल्लंघन होने पे डेफिनेटली कार्रवाई होगी क्योंकि हम लोग लगातार मीटिंग्स के भी ज़रिए लगातार सप्ताह भर से बता रहे हैं। दूसरा, अलग अलग फोरम से भी ये बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं और प्रचार भी इसका अच्छा किया है। लाउड स्पीकर्स के माध्यम से पूरी गाड़ियों को घुमा घुमा के ये स्पष्ट कर दिया गया है, अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के भी ज़रिए स्पष्ट किया गया है कि इस बार की होली परिवार के साथ ही होगी और घर के अंदर ही होगी। Subscribe now to most exciting channel ever.